प्रदेश में दल बदल के खेल के बीच भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कल अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही थी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर ने साफ कर दिया, उनका अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। महीने भर से हमारी समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा चल रही थी, मैंने कल अखिलेश से मुलाकात की, ये बात कही है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने। उन्होंने कल शाम तक बताने के लिए कहा था, लेकिन अब तक जवाब नहीं आया। चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश सामाजिक न्याय का मतलब नहीं जानते हैं। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है, वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर यह था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डरता, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पर बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो। निराशा हुई कि एक महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद है।